हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने इंस्टाग्राम के डिलीट मैसेज को देखना चाहते हैं? जैसे कोई पर्सन आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड करता है एंड मैसेज सेंड करने के बाद फिर वो अनसेंड कर देता है और आपको वहाँ कोई भी मैसेज शो नहीं होता है और आप उसको देखना चाहते हैं तो काफ़ी ईजिली आप देख सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का ज़रूरत नहीं है, वो आपके फ़ोन में ही मैसेज है। और उसको देखना कैसे, तो ये आप लोग को आज की वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेते हैं एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ से आ जा रहे हैं मैसेज में। हम यहाँ से मैसेज में जैसे आते हैं तो यहाँ पे हमारा मैसेज तो फर्स्ट में शो हो रहा है जो कि गौतम गुप्ता नाम से 3 मैसेज आया है। बट क्या है कि यहाँ हमें शो नहीं हो रहा है कि ये मैसेज क्या है। और यहाँ कुछ टाइम रुकने के बाद ये मैसेज दोनों का दोनों अनसेंड कर दिया। यहाँ पे बस एक मैसेज शो हो रहा है हेलो, और यहाँ पे क्या मैसेज आया था यहाँ मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है और हम इसको देखना चाहते हैं। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को करना क्या है, सिंपली इसके लिए आप लोग को आ जाना है यहाँ से बैक एंड अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। आप अपने फ़ोन के सेटिंग को जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कनेक्शन, साउंड एंड वाइब्रेशन एंड इसका नीचे नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो हो जाता है। हो सकता है आपके फ़ोन में थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे शो हो नोटिफिकेशन का ऑप्शन, तो सिंपली हम यहाँ से नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में एडवांस सेटिंग का। तो सिंपली आप लोग को यहाँ से एडवांस सेटिंग पे टैप करना है एंड नाउ एडवांस सेटिंग पे आप जैसे टैप करेंगे तो यहाँ आप लोग को शो नोटिफिकेशन, शो बैटरी परसेंटेज एंड यहाँ आप लोग को मिल जाता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। तो सिंपली यहाँ से आप लोग को नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ से हम नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे क्लिक कर लेते हैं एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम का 5 नोटिफिकेशन मेरा शो हो रहा है। तो सिंपली आप लोग का फ़ोन में भी ये शो हो रहा होगा तो यहाँ आप लोग को इस पर क्लिक करना है। और देखिए इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे गौतम गुप्ता के नाम से जो भी मैसेज आया था, कुछ टाइम पहले आया था या फिर अभी आया था और उसको अनसेंड कर दिया गया, वो टोटल आप लोग को यहाँ पर मैसेज शो हो जाएगा। देखिए यहाँ से मैं आप लोग को एक बार और बैक जाके अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में दिखा दे रहा कि इस टाइम में मतलब कोई भी चैटिंग नहीं है, जो भी मैसेज आया था वो अनसेंड कर दिया गया है। यहाँ से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर दिया एंड फिर देखिए मैसेज में यहाँ पे बस 5:01 में एक हेलो ही मैसेज शो हो रहा है और इसके अलावा कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो मैसेज को अनसेंड कर दिया गया था। और यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आप लोग को एकदम साफ साफ दिखा देता है कि आपके पास ये मैसेज आया था एंड ये अनसेंड किया, ये तो शो नहीं होता है बट यहाँ पे आप लोग को जो मैसेज आया था वो यहाँ पे दिखा देता है। और देखिए अगर आप लोग को फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं मिल पाता है तो सिंपली इसके लिए आप लोग को आ जाना है यहाँ से बैक एंड आप लोग को सेटिंग में एक मिल जाता है सर्च का ऑप्शन, तो सिंपली सर्च पर आप लोग को टैप करना है और यहाँ से आप लोग को टाइप करना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। देखिए हम यहाँ से जैसे नोटिफिकेशन हिस्ट्री लिख रहे हैं तो यहाँ हम लोग का नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन आ गया एंड इस पर हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। देखिए हम इस पर जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑन है। हो सकता है कि आपका फ़ोन में शायद मे बी ये सेटिंग ऑफ हो तो इसको आप लोग ऑन कर लीजिएगा, बट क्या है कि ये ज़्यादातर फ़ोन में ऑटोमेटिक ही ऑन रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह काफ़ी ईजी वे में बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अपने डिलीट इंस्टाग्राम मैसेज को देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।